नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम टू आरएसपी वर्ल्ड। और आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ रॉ स्टोन के बारे में, जिसको कच्चा पत्थर कहते हैं हिंदी में। ये जो कच्चा पत्थर होता है, ये लगभग सभी रत्नों का होता है। हमारे मानिक से लेके लहसुनिया तक जो रत्न होते हैं, सभी का जो ज़मीन से हमें प्राप्त होते हैं। अभी जो सामने आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पत्थर है पन्ना, अफ्रीकन माइन का ये पन्ना है। ये देखिए, पृथ्वी से प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल प्योर है, कच्चा पत्थर है, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट इसमें नहीं किया गया है। अफ्रीकन माइन से सीधे इसको प्राप्त किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, लाइट ऑन होने के कारण थोड़ा सा कलर शेड में फ़र्क दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर देख सकते हैं आप, पूरा वाइट कलर का इसमें एक शेड है, एक परत है वाइट कलर की और नीचे ग्रीन है। ये करीबन 70 कैरेट का ये स्टोन है, रॉ स्टोन। और अभी इसी में से तोड़कर एक 9 कैरेट का टुकड़ा निकाला गया है पन्ने के अंदर से, रत्न बनाने के लिए। पन्ना बिल्कुल प्योर ओरिजिनल, इसको अगर सर्टिफिकेशन भी करते हैं इसका, तो उसमें नेचुरल एमरल्ड ही लिखा आएगा। और अब आप आगे देखेंगे कि किसी कच्चे पत्थर में से किस तरह से कोई रत्न को तराशा जाता है, बनाया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अभी मशीन द्वारा सबसे पहली जो स्टेप होती है किसी भी रत्न को शेप लेने की, आकार लेने की, कि उसे हमें ओवल लेना है, स्क्वायर लेना है, गोल लेना है, राउंड, किस तरीके से। ये जो मशीन होती है, ये शेपिंग मशीन होती है, जो किसी भी कच्चे पत्थर को शेप लेने के लिए काम आती है। यहाँ पर रत्न का शेप, कटिंग, पॉलिश तीनों का काम किया जाता है। ये देखिए, जो आपका कच्चा पत्थर हमने 9 कैरेट का तोड़ा था, उसने आकार लेना शुरू कर दिया है, ओवल शेप में बनने जा रहा है ये। वजन हमारे ऊपर होता है 4 कैरेट से लेके 10 कैरेट, 3 कैरेट, 2 कैरेट, जितना भी हमको पत्थर हमारा रत्न बनवाना है वो हम बनवा सकते हैं। ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है रत्न शेप ले रहा है, इसको ओवल शेप में बनाया जा रहा है इस पन्ने को। इसके बाद इसमें कटिंग और पॉलिश का काम भी बाकी रहेगा, जो भी आप देखेंगे थोड़ी देर में। और जो हमारे नेचुरल स्टोन होते हैं, वो इसी तरीके से बिल्कुल कच्चे पत्थर को तराश कर रत्न को बनाया जाता है। ये देखिए आपके सामने, ये रत्न बताया जा रहा है, बिल्कुल शेप तैयार हो गया है इसका, ओवल शेप। इसका अभी कटिंग पॉलिश इसमें बाकी है। अभी इसका वेट आ रहा है 6 कैरेट 10 सेंट, ये 5-1 कैरेट के करीब तैयार बन जाएगा। अभी 6 कैरेट 10 सेंट का इसका जो वेट आया है, अभी इसमें और शेपिंग देने के बाद करीबन 5 कैरेट के आसपास इसका वेट फाइनली आ जाएगा। और क्योंकि एमएम के हिसाब से देखो तो 14 एमएम इसकी लंबाई है, 14 एमएम इसकी लंबाई हो गई है, और चौड़ाई इसकी है 10.5 एमएम, 10.5 एमएम चौड़ा हो गया है ये, और हाइट इसकी 4.5 एमएम, 4.5 एमएम की इसकी हाइट हो चुकी है। कोई भी रफ स्टोन को, कच्चे पत्थर को जब तराशा जाता है, तो वो जितने वेट का होता है उससे कम वेट में हमें फाइनल प्राप्त होगा बनकर, क्योंकि बाकी का जो उसका हिस्सा है वो शेपिंग देने में ख़त्म हो जाता है। तो पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कितने वेट का हमको रत्न चाहिए। अब इसको जो एक वुड स्टिक होती है पॉलिश वगैरह करने के लिए, उस पर इसको चिपकाना होता है रत्न को। ये देखिए इस तरीके से ये वुड स्टिक पे चिपक चुका है, अच्छे से वुड स्टिक पे वो चिपका रहे, निकले नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है। होल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए रत्न को पॉलिश करते समय, उसको निकले ना, इसलिए उसको वुड स्टिक पे अच्छे से पेस्ट किया जाता है। थोड़ी देर बाद आपके सामने फाइनली जो रत्न बनकर आएगा, बिल्कुल नेचुरल पन्ना, वो आपको देखने को मिलेगा।
ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। कट डालेंगे अब इस रत्न में कट लगने वाले हैं। डिजाइन जो डलती है ना वो डालेंगे। जो रत्नों के ऊपर आपने एक अष्टकोण वाली जो डिजाइन देखी होगी, जो आठ कोण डले रहते हैं, अब वो डाले जा रहे हैं रत्न में। हर रत्न के ऊपर जो आप देखते हैं एक जो शाइन करती है जो डिजाइन सब तरफ से, ये वो प्रोसेस हो रही है। मतलब ये पूरी जो प्रोसेस है वो है कच्चे पत्थर से रत्न तक की प्रक्रिया प्रोसेस। और जो भी आपने कच्चा पत्थर देखा था स्टार्ट होने के समय, वो अफ्रीकन माइंस का एमरल्ड है। इसी तरीके से हर रत्न प्राप्त हो जाता है, अलग अलग माइंस के भी होते हैं, अफ्रीकन माइंस के ज़्यादा आते हैं, मानिक, पुखराज, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, सभी रत्न उसमें मिल जाते हैं। डिजाइन चल रहा है अभी भी, कटिंग प्रोसेस में ही है। स्टोन स्टोन्स के ऊपर जो कट दिखाई देते हैं अभी भी वही बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, वो जो षटकोण के जो मैं आपको आठ कोण बोल रहा था, ये उस शेप में आ गया है रत्न। आठ, इसमें आठ स्टेप लगा दिए अपन ने, इसके ऊपर आठ और लगाए जाएंगे, फिर नीचे 16 कट लगेंगे। इसके अंदर टोटल कट हो गए ये आठ और आठ 16 16 16 32 कट होते हैं एक स्टोन में। एक जेम स्टोन जो रत्न होता है उसमें टोटल 32 कट होते हैं मिनिमम। मिनिमम है ये, मैक्सिमम भी इसमें हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी। जी, इस तरीके से इसको कट देना पड़ते हैं, इस तरीके से इसको तरासते हैं रत्नों को। ये देख सकते हैं आप क्लियरली, उसको रत्न को बार बार टर्न भी करना पड़ता है शेप देते समय, ताकि कहीं पर डीप कट ना लग जाए, इसलिए उसको बार बार हटाना भी पड़ता है मशीन से। अभी भी जो है रत्न को कट देने की ही प्रोसेस चल रही है। काफ़ी देर तक इसको कट देना पड़ता है ताकि आपके पास एक अच्छा सा नगीना, अच्छा सा रत्न आपको मिले, जो दिखने में सिंपल एंड ब्यूटीफुल हो। इसलिए इसको काफ़ी देर तक कट देना होता है मशीन के अंदर सभी जगहों से। कट हो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इसके भी, इसके जो कट है वो कंप्लीट हो गए हैं। जैसा रत्न होता है वैसा ये आपके सामने आ गया है। अभी इसमें पॉलिशिंग का काम बाकी है। यस, उसके बाद ये रत्न चमकने लगेगा। अभी जैसा देख रहे होंगे आप, पूरा डार्क डल कलर में दिख रहा होगा आपको, ये पॉलिश के बाद ये शाइन करेगा। अब ये पॉलिशिंग प्रोसेस में आ गया है, पॉलिश स्टार्ट हो गई है स्टोन के ऊपर। आपको अगर नेचुरल स्टोन चाहिए हो, मानिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, नीलम, लहसुन या गोमेद या अन्य कोई रत्न, तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर शहर मध्य प्रदेश राज्य में हमारी शॉप है और यहीं पर लैब भी है। प्योर ओरिजिनल रॉ स्टोन से कुछ ही देर में आपको ओरिजिनल रत्न प्राप्त हो जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड प्रोसेस के स्टोन रहेंगे ये, बिल्कुल नेचुरल, 100% नेचुरल, और इसका सर्टिफिकेशन भी नेचुरल में ही आएगा। तो सभी स्टोन्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे बनाने में करीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है एक स्टोन को बनाने में। ये देखिए, ये हो गया है आपका पॉलिश, बिल्कुल रेडी हो गया, रत्न रेडी हो चुका है, वन साइड रेडी। इसके अंदर पॉलिश हो गई है, वन साइड रेडी हो गई है। देखिए, एक तरफ इसकी रेडी हो गई है,
पॉलिश करने के बाद अभी सेकेंड जो दूसरी तरफ इसके पिछले हिस्से में पॉलिशिंग अभी बाकी है और पॉलिश उसमें भी कट लगना अभी बाकी है और पॉलिश भी बाकी है वो भी और आप देखेंगे किस तरीके से होगी। चलिए अब फिर से इस रत्न को गर्म कर रहा जा रहा है ताकि वो स्टिक में से आसानी से बाहर आ जाए, क्योंकि गर्म नहीं करेंगे तो बाहर आता नहीं है वो। अब ये देखिए आपके सामने बाहर आ जाएगा, ये स्टोन अलग हो गया है, वुड स्टिक अलग हो गई है, ये रत्न एक तरफ से पॉलिश और शेपिंग दोनों हो चुका है। अब इसके पिछले हिस्से में काम बाकी है वो आप आगे देखेंगे। अब इसको इसी वुड स्टिक में आगे से निकाल कर पीछे लगाया जाएगा, क्योंकि अभी पिछले हिस्से पे पॉलिशिंग और कट दोनों का काम बाकी है। अब इसको मशीन पे फिर से लगाया जाएगा, पीछे भी शेप देना है इसलिए, तब जाके रत्न कंप्लीट होगा। ये देखिए ये पिछले का हिस्सा, पिछला जो हिस्सा है अभी पूरा जो इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, आड़ा तिरछा इसका सरफेस है। इसको अभी पॉलिशिंग करके कट देकर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जिससे कि आगे की आपने शेप देखा होगा बिल्कुल उसी तरीके से। ये स्टार्ट हो गया है फिर से कटिंग का काम पिछले हिस्से में, जैसा आपने अभी फ्रंट हिस्से में देखा था काम उसी तरीके से ये पिछले हिस्से में स्टार्ट हो गया है। मार्केट में जो रत्न मिलते हैं जिसमें कि एक सिंथेटिक होता है, उसके बाद एक जीएफ स्टोन होता है, ग्लास फील्ड स्टोन जिसको कहा जाता है, ये दोनों ही रत्न पहनने के इतने अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होते हैं। सिंथेटिक स्टोन के तो होते ही नहीं है, जीएफ स्टोन भी अपनी पूरी ताकत से काम यहाँ कर नहीं पाता है। अगर कोई ऐसा रत्न है जो कच्चे पत्थर से टुकड़ा उसका तोड़कर उसको तराशा गया है, उसको बनाया गया है, तो वो रत्न बिल्कुल 100% नेचुरल होता है, प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो उसके जो रिजल्ट हमें पहनने के बाद मिलते हैं, इफ़ेक्ट और रिजल्ट, वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही कम दिनों में अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमें उसके रत्न के मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जिस ग्रह का आप रत्न पहन रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है, इसलिए कुंडली का एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो रिजल्ट तो ज़रूर से आपको मिलेंगे, वो रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और ये तो प्राकृतिक रत्न जो आपके सामने बन रहा है, तो ये एक हफ्ते के अंदर 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अपना इफेक्ट ज़रूर से दिखा देता है। सिंथेटिक स्टोन तो दिखाते ही नहीं है, और जीएफ स्टोन महीनों लगा देते हैं अपना असर दिखाने में। ऐसा इसलिए होता है कि नेचुरल स्टोन के अंदर जो सूर्य की किरणें जाती है या किसी भी लाइट की जब किरणें जाएंगी, तो वो प्राकृतिक रत्न होने के कारण जल्दी से दूसरी ओर परावर्तित हो जाएंगी, यानी कि हमारी बॉडी में आ जाएंगी, और उसका इफेक्ट इसलिए जल्दी से हमें प्राप्त होता है। सूर्य की लाइट सनलाइट पड़ते से ही उसके अंदर रत्न गर्म हो जाता है और हमारे शरीर में उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सिंथेटिक स्टोन में क्या होता है कि वो एक कांच का टुकड़ा होता है, तो उस कारण से सिर्फ कांच का जो पावर है, जो किरणें हैं, वो हमारी बॉडी में जाती है, इसलिए वो इफेक्ट कुछ करती नहीं है। जीएफ में और भी बुरी हालत होती है। जीएफ स्टोन में एक्चुअल में ग्लास फील्ड होता है, उसमें करीबन 60-70% ग्लास होता है, 30% जो है नेचुरल स्टोन होता है, तो यहाँ पे फिर भी उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते नहीं हैं, क्योंकि 70% अगर कांच की किरणें आपकी बॉडी में जाएंगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 30% नेचुरल स्टोन कितना इफेक्ट दे पाएगा अपने आप में। और फिर जब नेचुरल स्टोन और ग्लास फील्ड स्टोन मिक्स हो जाता है साथ में, तो फिर वहाँ भी एक जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है, कि दोनों के जो इंक्लूजन अंदर बनते हैं स्टोन के, वो अपना इफेक्ट अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, ना ही वो ग्लास दिखाता है, ना ही जो हमारा नेचुरल स्टोन, तो खैर वो बचता ही नहीं है उसके बाद जब उसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी को ट्रीटमेंट कहते हैं, हीटेड ट्रीटमेंट, कलर ट्रीटमेंट, थर्मल प्रोसेस होती है कलर किसी रत्न में मिलाना, और इसी को हीटेड और ट्रीटेड स्टोन कहा जाता है। लेकिन ये जो सामने आप बनते हुए देख रहे हैं, ये अभी आपके सामने ही कच्चे पत्थर में से पन्ने का टुकड़ा तोड़कर पन्ना रत्न बनाया जा रहा है,
तो ये 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसको इसके अंदर कोई थर्मल प्रोसेस करके रंग भरा गया है, ना ही इसको किसी उच्च ताप पर जलाया गया है, कुछ नहीं है। सीधा रत्न में प्राप्त हुआ है, उसको काट कर बनाया गया है। ये फ़र्क होता है सिंथेटिक स्टोन, GF स्टोन और नेचुरल स्टोन में। इसी कारण से नेचुरल स्टोन की कॉस्टिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। सिंथेटिक स्टोन सीधी सी चीज़ है, कांच का टुकड़ा है तो कांच सस्ता आता है, बहुत कम रुपए में मिल जाता है। GF स्टोन ग्लास फिलिंग होने के कारण वो भी आपको कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन नेचुरल स्टोन जब हमें पृथ्वी से प्राप्त होगा तो फिर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि रेयर हो जाता है, पृथ्वी से इतनी मात्रा में स्टोन निकल नहीं पाते हैं। तो जो फिर चीज़ नेचुरल रहेगी, रेयर रहेगी, ओरिजिनल रहेगी, नेचुरल रहेगी, तो फिर उस कारण से उसकी प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जब भी आप ओरिजिनल स्टोन कहीं ख़रीदने जाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो उसका प्राइस आपको हाई ही मिलेगा। हाई प्राइस का ये रहेगा कि आपका जो वैल्यू फॉर मनी वाली जो कहावत होती है वो बिल्कुल सही सिद्ध होती है, कि आपने जो पैसा पे किया है, अमाउंट दिया है, उस अमाउंट का आपको स्टोन भी वहाँ पे दिया जाता है, तो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है वो। और वहाँ पे जो जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल जायज़ होती है ओरिजिनल जेम स्टोन में। तो थोड़ा सा महंगा ख़रीदिए, अच्छा ख़रीदिए, आपके पास बजट नहीं है तो थोड़ा सा रुक कर ख़रीदिए, लेकिन ओरिजिनल नेचुरल जेम स्टोन ही ख़रीदिए। ट्राई कीजिए कि जेम स्टोन ऐसा ख़रीद रहे हो आप जो कि कच्चे पत्थर द्वारा ही बनाया गया हो। ये प्रोसेस आप चाहें तो कच्चा पत्थर पहले देख भी सकते हैं आकर, अगर आप हमसे बनवाते हैं तो आपको कच्चा पत्थर दिखा दिया जाएगा, रॉ स्टोन कौन सा है, और उसी स्टोन से आपको जो है वो रत्न बनाया जाएगा। ये देखिए, ये सामने अभी आपने शुरू में स्टार्टिंग के वीडियो के देखा ही है, एक पन्ना, उसी तरीके से देखिए ये नीलम, नीलम स्टोन का कच्चा पत्थर अभी ये मेरे हाथ में है, अफ्रीकन नीलम है ये, ये पूरा कच्चा पत्थर है नीलम का, करीबन 100 कैरेट वेट का ये पत्थर है, इसके अंदर से 5-5 कैरेट के बहुत सारे रत्न बनाए जा सकते हैं। इसके बाद ये वाला देखिए, ये दूसरा जो रत्न है ये मानिक का है, मानिक जेमस्टोन, जिसको रूबी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके पहले जो आपने ब्लू सफायर देखा था वो है मानिक का असली पत्थर है, ये भी अफ्रीकन माइंस का मानिक है, इससे भी रत्न बनाया जा सकता है आसानी से, जितना वेट आपको चाहिए उतना। तो नेचुरल स्टोन ख़रीदने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे इंदौर मध्य प्रदेश से हैं तो डायरेक्ट मिल सकते हैं आकर लैब में या शॉप पर, इंदौर से बाहर से हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी कच्चे पत्थर से रत्न बनकर मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी उसका आएगा कि जो रत्न आपने ख़रीदा है वो ओरिजिनल है, किसी भी तरह का कोई नकली रत्न आपको नहीं दिया जाएगा। 3 से 7 दिन के अंदर आपको रत्न कोरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। प्राइसिंग इसकी कितनी रहती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वो हर जो हमारा वीडियो है चैनल का उसके ऊपर लास्ट में दिया हुआ है। और 100% नेचुरल स्टोन आपको प्राप्त होंगे। ये देखिए, ये नीलम और ये मानिक, पन्ना तो आपने देखिए, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल। ये जो पन्ना था ये स्टार्टिंग में आप देख ही चुके थे, इसी से अभी हमने काट के आपके सामने ही ये जो रत्न है उसको तराशा है। रत्न रेडी हो चुका है, अब इसको वुड स्टिक में से फिर से एक बार हल्का सा गर्म करके निकाला जा रहा है, क्योंकि बिना गर्म करे स्टिक से रत्न निकलता नहीं है। ये रत्न अब कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, नेचुरल 100% नेचुरल एमरल्ड रत्न है ये, पन्ना जिसे हिंदी में कहते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्लियरली, इसकी चमक देख लीजिए, इसकी शाइन, इसका जो कट है, इसकी जो पॉलिश है सब, और सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर पूरे नेचुरल इंक्लूजन है, किसी भी तरह का कोई इसमें ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। थोड़ा साफ कर दें, लाओ देखो कास्टिंग में डाल के थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लियर किया जा रहा है इसकी जो, ताकि आपको और अच्छे से देखने को मिले वो क्लियरली, इसकी जो चकड़ी लगी हुई थी। ये जो आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरल पत्थर रहेगा, ये नेचुरल पन्ना एमरल्ड, नेचुरल एमरल्ड प्राकृतिक पन्ना हिंदी में इसका नाम। इसी तरीके से सभी रत्न आपको प्राप्त हो जाएंगे।
किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक या जीएफ ट्रीटेड जो प्रोसेस होती है वो कुछ भी नहीं की गई है। इसमें कच्चे पत्थर से रत्न तराशा गया है। 9 कैरेट का हमने स्टोन लिया था कच्चा पत्थर। अब देखते हैं इसका फाइनली वेट कितना आ रहा है। 5 कैरेट 5 सेंट इसका वजन आ चुका है। 9 कैरेट का जो पत्थर था, जो टुकड़ा था, उसका उसको जब तराशा है तो 5.15 सेंट का ऑलमोस्ट ये हमारे पास प्राकृतिक पन्ना प्राप्त हो गया है। अब इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ फाइनली पन्ना बनकर कैसा आया है। ये देखिए इस तरीके से आया है। ये 100% नेचुरल एमरल्ड है। डार्क ग्रीन कलर है इसका, क्योंकि पत्थर जो था वो भी डार्क ग्रीन कलर का था इसलिए। ये देखिए पीछे से भी सारे कट लगे हुए हैं इसमें, जो भी हम मशीन से कट लगा रहे थे ये वही कट है। ये शाइन जो हो रहे हैं ये सारे कट हैं इसके। नीचे से बॉडी को अच्छे से टच हो जाए इसके लिए नीचे से भी इसको कट देना पड़ता है। और ये इसकी जो फ्रंट फेस है, नेचुरल स्टोन कभी भी ज़्यादा शाइन करते नहीं है, क्योंकि जो उसका प्राकृतिक पत्थर हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है वो भी गहरा कलर का होता है और उसके अंदर गहरा कलर का होता है और कांच ना होने के कारण सुंदर होता नहीं है वो पत्थर जो नेचुरल प्राप्त होता है। तो जो फाइनली रत्न बनकर आता है वो भी इतना ब्यूटीफुल दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत शानदार होते हैं और जो शाइन करते हैं चमकते हैं वो सारे डुप्लीकेट स्टोन होते हैं। ये देखिए पास से दिखाता हूँ आपको मैं पन्ना। डार्क ग्रीन कलर का है ये देखिए। हल्की सी इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है। जैसा रत्न आता है, जैसा कच्चा पत्थर आएगा उसी का जिस प्रकार से रत्न बनना है उस वैसा रत्न बनकर आ जाता है। तो फाइनली आज ये आपको एक छोटा सा प्रयास था कि दिखाने का कि अगर कच्चा पत्थर है तो उससे रत्न किस तरीके से तराशा जाता है, शुरू से लास्ट तक की प्रोसेस। अब ये कस्टमर को देने के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको शॉप पर रखा जा सकता है। अब इसको सिर्फ रिंग बनाकर पहनना बाकी है। इसमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रत्न हैं जो आप हमसे मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कच्चे पत्थर से। 100% नेचुरल माल आपको इसमें मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी आएगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।